नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रतीक श्रीवास्तव। स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में अब से नहीं होगा बाल रंग महोत्सव, मंत्री विजय शाह ने दिया बड़ा बयान। एक दिन पहले ही विजय शाह को बच्चों ने परोसा था नाश्ता, मामला गरमाने के बाद कहा काम में क्या बुराई। विराट और अनुष्का की शादी पर बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, बयान का चौतरफा विरोध। जारी रहेगी स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन बांटने की योजना, कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। और ओवरलोडेड वाहनों पर और सख्त होगी कार्रवाई, सीहोर में वाहनों पर जुर्माना लगाकर की गई शुरुआत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में चल रहे राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव में प्रतिभागी बच्चों को वेटर बनाए जाने के मामले में गुरुवार को मंत्री विजय शाह ने अपने बयान में कहा कि अब मध्य प्रदेश में बाल रंग महोत्सव नहीं होगा। दरअसल बीते बुधवार को बाल रंग कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह और अन्य अतिथियों बाल रंग के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान प्रतिभागी बच्चों ने मंत्री विजय शाह और अन्य अतिथि को चाय और नाश्ता परोसा था, जिसका वीडियो चर्चा में आने के बाद गुरुवार को मंत्री विजय शाह ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में बाल रंग कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय बाल रंग प्रतियोगिता में आए अतिथियों के लिए स्कूली बच्चों को वेटर की तरह इस्तेमाल किया गया। स्कूली बच्चों से अतिथियों को चाय, पानी से लेकर नाश्ता तक वितरित कराया गया। इस संबंध में जहां संचालक लोक शिक्षण ने अपनी गलती मान ली, वहीं शिक्षा मंत्री विजय शाह ने बात को टालते हुए कह दिया कि काम में क्या बुराई है। मंत्री के टके से जवाब के बाद बच्चों को काम कराने वाली संस्था भी साफ बच गई और बच्चों से लगातार अतिथियों और खातिरदारी का काम चलता रहा। कार्यक्रम में मौजूद संचालक लोक शिक्षण अंजू भदौरिया ने पत्रिका से जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने इसे गलत बताया और गलती मानी कि बच्चों को कार्यक्रम में परफॉर्मेंस के लिए तो शामिल किया जा सकता है, लेकिन उनसे अतिथियों की खातिरदारी कराया जाना आपत्तिजनक है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि बच्चों से मेहमानबाजी की परंपरा को खत्म कराएंगे। बताते चले, करीब एक दर्जन स्कूली बच्चों को मेहमानों की खातिरदारी में तैनात किया गया था। ये बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में अतिथियों को चाय, बिस्किट और नाश्ता परोस रहे थे। इनमें स्कूली लड़कियां भी शामिल थीं। बच्चों से अपने बयान को लेकर विवाद में आए मंत्री इतने पर भी नहीं माने। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया। गुजरात नतीजे के बाद मंत्री विजय शाह ने उन्हें बच्चा कहकर मजाक उड़ाया। बाल रंग समारोह में भी बोले कि राहुल गांधी भी बाल बच्चे हैं। ये बात उन्होंने बाल रंग समारोह में उन्हें बच्चों से जोड़ते हुए कही। मध्य प्रदेश के गुना जिले के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की देशभक्ति पर सवाल उठाए हैं। गुना में हुए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जिस देश में भगवान राम और कृष्णा का विवाह हुआ था उसे छोड़कर दोनों ने इटली में विवाह संस्कार किया। वे दोनों पैसे भारत में कमा रहे हैं और शादी करने विदेश जा रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि वह राष्ट्रभक्त नहीं है। विराट भारत के युवाओं के आदर्श नहीं हो सकते। विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा, उन्हें देश में कहीं जगह नहीं मिली। क्या भारत इतना अछूत है कि वह इटली जाकर शादी कर रहे हैं? कोहली देश में इतना कमाते हैं और पैसा कमाकर इटली में नाचने चले गए, ये कैसे देशभक्त है? उन्हें देशभक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। इटली में अगर तुम शादी कर रहे हो तो देश को क्या दोगे? बात को ज़रा बारीकी से सोचो। इटली वाले यहाँ पर आकर अरबपति करोड़पति हो गए और तुम इटली में जाकर नाच रहे हो। इससे पहले जब बीजेपी स्पोक पर्सन रजनीश अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा, इसे विधायक के निजी विचार बताए। बाद में उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करती। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने शाक्य के बयान की निंदा की है और इसे बेहद शर्मनाक बताया है। साथ ही विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। भोपाल में जहां पर सरकार ने मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन की योजना जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी तय किया है कि छात्र छात्राओं को उनकी जरूरत के हिसाब से स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये फैसला बुधवार सुबह हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में किया गया। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि स्मार्टफोन योजना के तहत बेहतर गुणवत्ता के
फ़ोन या टैबलेट जो भी दिए जा सकते हैं वो दिए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 154 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। गौरतलब है कि सरकार कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को स्मार्टफोन देती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की सेवाएं भी साल 2018 तक जारी रखने का अहम फैसला भी हुआ। बैठक में ये तय किया गया कि जितना काम उतना दाम के आधार पर ही कंपनी को भुगतान होगा। इसके अलावा सरकार ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में संविदा पर काम कर रहे करीब 1000 टेक्नीशियनों को मानदेय बढ़ाने का भी फैसला किया। इससे 65 से बढ़कर 75 रुपये प्रति हैंडपम्प कर दिया गया है। एक माह में 120 हैंडपम्प सुधारने तक भुगतान होगा। साथ ही SC और ST के छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी साल 2020 तक दी जाती रहेगी। सरकार ने इसमें आय सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है। 2.5 लाख रुपये तक की आय सीमा पर केंद्र सरकार से राशि मिलेगी, जबकि उससे अधिक पर जो खर्च होगा वह राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार के इस फैसले से करीब 7.5 लाख छात्रों को फायदा होगा। इसके लिए 266 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है। सरकार ने एक संरक्षण की कवायद में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सहारिया बैगा और भारियार जनजाति के परिवारों को 1000 रुपये महीना आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया है। यह राशि ऐसे परिवारों की महिला मुखिया के खाते में जमा कराई जाएगी। इससे करीब 2.5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार की मंशा है कि इससे कुपोषण रोकने में मदद मिलेगी। इंदौर में वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी से डर कर एक बेटी ने खुदकुशी कर ली। MG रोड थाना प्रभारी अनिल यादव व SI रमेश बारोड़ ने आरोपित को पकड़ने का प्रयास ही नहीं किया। अब आप तो आरोपियों को पकड़वा दो, पुलिस जनसुनवाई में यह गुहार थी एक माँ की। पुलिस जनसुनवाई में एक परेशान माँ ने जांच अधिकारी को कहा कि उन्होंने कई बार आरोपित अमित भिलवारे के खुलेआम घूमने की सूचना भी दी, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसने मेरी बेटी को वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। इस धमकी से डर कर बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। आरोपित के परिजन ने पुलिस से 10 लाख रुपए लेकर केस को कमजोर किया है। मंगलवार को पुलिस जनसुनवाई में एक माँ यह विलाप गूंजता रहा। DIG हरि नारायणचारी मिश्र ने नंदलालपुर निवासी सोनम पिता सुरेंद्र सिंह मालवंत ने बेटी याशिका की खुदकुशी के मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। होशंगाबाद के बांद्रा भान की रेत खदान से अवैध रूप से उत्खनन करने पर पुलिस और माइनिंग विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। बुधवार सुबह हुई इस कार्रवाई में टीम ने एक JCB सहित 15 डंपर पुलिस ने जब्त किए हैं। गौरतलब है कि पत्रिका ने कुछ दिन पहले ही बांद्रा भान की रेत खदान पर अवैध रूप से हो रहे रेत खनन की खबर को प्रकाशित भी किया था। जानकारी के अनुसार अवैध उत्खनन के मामले में जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया और SP अरविंद सक्सेना के निर्देश पर टीम बनाकर पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर पहले तो तवा नदी के बांद्रा भान रेत खदान नंबर 5 खदान के चारों तरफ से घेराबंदी की, फिर उसके बाद कार्रवाई की। गौरतलब है कि बांद्रा भान की यह खदान अधिकृत रूप से बंद थी। इसके बाद भी अवैध रूप से यहां लगातार खनन होने की खबर मिल रही थी। शिव इंटरप्राइजेस के नाम से खदान उक्त खदान शिव इंटरप्राइजेस के नाम से स्वीकृत है, जो भोपाल निवासी शिवम त्रिवेदी के नाम से है। NGT की रोक और खदान के अधिकृत रूप से बंद होने के बाद भी यहां पर खनन किया जा रहा था। खदानों पर लगातार हो रही कार्रवाई, प्रशासन रेत खदानों पर छापामारी कर लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले 2 महीनों में करीब 3 बड़ी कार्रवाई हो चुकी हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में डंपर जब्त किए जा चुके हैं। सिया की अनुमति इसमें प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस पर NGT कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जब तक सिया की अनुमति प्रस्तुत नहीं कर देती तब तक ये खदान में किसी भी प्रकार से उत्खनन व रेत निकासी का कार्य नहीं करेगी। इसकी सूचना मिलने पर कि रेत खदान यहाँ पे उनके द्वारा कर दिया गया है,
आज प्रातः 10 बजे पुलिस के बल के साथ में संयुक्त कार्रवाई की गई। संयुक्त कार्रवाई के दौरान खदान में एक जेसीबी मशीन और 15 डंपर रेत का अवैध उत्खनन परिवहन करते पाए गए। एक डंपर और जेसीबी मशीन पुलिस थाना देहात भिजवा दिया गया है। मेरे 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 नंबर खदान जो कि शासन के द्वारा अभी बंद है और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं यहाँ पर डंपर वगैरह से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इस सूचना पे हमारे द्वारा जो है खनिज अधिकारी श्री शशांक शुक्ला साहब का अवगत कराया गया। वो आए, फिर हम दोनों दल खनिज विभाग का और हमारे पुलिस विभाग देहात थाने का बर्मन साहब, टीआई साहब और बाकी स्टाफ और मैं खुद भी यहाँ पर आके हम लोगों ने जो है यहाँ रंगे हाथ ये पकड़ा है इनको और यहाँ से जो है 15 डंपर और एक जेसीबी मशीन यहाँ से जो है जब्ती की कार्रवाई खनिज विभाग के द्वारा की जा रही है। और अमरवाड़ा के नेशनल हाईवे क्रमांक 547 छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सागर मार्ग पर अमरवाड़ा बाईपास पर बने ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद अपने शुभारंभ की राह ताक रहा है। नेशनल हाईवे पर दुर्घटना में घायल को तत्काल उपचार मिले, इस उद्देश्य से ये ट्रॉमा सेंटर बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ट्रॉमा सेंटर केवल नाम मात्र का है। जब नेशनल हाईवे छिंदवाड़ा नरसिंहपुर बना है तभी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हुआ, लेकिन आज तक इसका शुभारंभ नहीं किया गया है। ना ही यहाँ कोई मशीन है और ना ही यहाँ कोई डॉक्टर। कई बार एक्सीडेंट में घायलों की मौत भी हो जाती है। ट्रॉमा सेंटर के सामने ट्रक और बोरिंग मशीन पार्क की जा रही है, जिसकी आड़ में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम भी दिया जा रहा है। लाखों की लागत से निर्मित यह सेंटर नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। शाम ढलते ही ट्रॉमा सेंटर पर जाम टकराने लगते हैं तो कभी प्रेमी युगल प्यार की पींगे लगाते हुए नजर आते हैं। संबंधित अधिकारी अगर इस ओर ध्यान नहीं आकर्षित किए तो बहुत ही जल्द ट्रॉमा सेंटर खंडर में तब्दील हो जाएगा। अमरवाड़ा बाईपास पर स्थित ट्रॉमा सेंटर के सामने एक चौराहा बना हुआ है, जिसका एक मार्ग घोघरी रोड जाता है तो दूसरा अमरवाड़ा नगर आता है, तीसरा मार्ग नरसिंहपुर तो वहीं चौथा छिंदवाड़ा की ओर जाता है। वाहनों की अधिकता और बिना सूचना पटल के कारण इस चौराहे पर हर वक्त दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी तो दुर्घटना इतनी बड़ी होती है कि लोगों को सीधा नागपुर से छिंदवाड़ा रेफर करना पड़ता है, लेकिन संबंधित अधिकारी ट्रॉमा सेंटर चालू कराने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। यदि ट्रॉमा सेंटर चालू रहता है तो एक्सीडेंट में घायल लोगों को तत्काल उपचार मिल सकता है। इस ओर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर स्टाफ की कमी के कारण अभी तक ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं हो सका है। संबंधित अधिकारियों से बात कर सेंटर को जल्द चालू कराया जाएगा। उत्तम ठाकुर, विधानसभा प्रभारी, अमरवाड़ा ट्रॉमा सेंटर चालू करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा और सांसद कमलनाथ से इस संबंध में जल्दी चर्चा कर ट्रॉमा सेंटर शुरू कराया जाएगा। कमलेश शाह, क्षेत्रीय विधायक, ट्रॉमा सेंटर NHAI के अंतर्गत आता है, उन्हें यहाँ स्टाफ रखना चाहिए। अस्पताल में स्टाफ की कमी है, ऐसे में दुर्घटना वाले केस आने पर दिक्कत होती है। सीहोर में हाट बाजार के दिन सड़क पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिल गई है। सड़कों पर लगने वाली दुकानों से यातायात प्रभावित होता रहता है, इसके कारण कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित होती थी। अब से सब्जी मंडी में लगने वाले फल बाजार की जगह गुड़ और लगातार सब्जी मंडी को व्यवस्थित किया जा रहा है। सड़क और बाहर लगने वाली सब्जी की दुकानों को पहले ही अंदर जगह दे दी गई है। बाकी जगह पर फल बाजार लगाया जाना था, मगर व्यापारियों के विरोध के चलते यह बाजार नहीं लग सका। इसके बाद SDM राजकुमार खत्री ने हाट बाजार के दिन सड़क पर दुकान लगाने वाले 30 से अधिक दुकानदारों को जगह दे दी है। बाहर लगने वाली ऐसी 16 गुड़ की दुकान, 10 मिर्च मसाले की दुकान, 2 मनिहारी, 1 किराना ठेला और 1 सुपारी जर्दा की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को जगह उपलब्ध कराई गई है। कई बार इन दुकानों के कारण हाट बाजार के दिन यातायात तो प्रभावित होता ही था, साथ ही आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दुकानें व्यवस्थित होने से यह समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। सीहोर मार्ग पर चलने वाले मालवाहक वाहन सामान को लटकाकर नहीं ले जा सकेंगे, ऐसे वाहनों पर भी अब यातायात पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। शहर में पहली बार सरिया लटकाकर ले जा रहे लोडिंग वाहन पर 29177 के तहत ₹500 का जुर्माना भी किया गया है। इधर यातायात पुलिस की सख्ती के चलते पुलिस को देख वाहन चालक भागते नजर आए। महज चालान से बचने के लिए खुद को तो नुकसान पहुंचाया ही जा रहे हैं, इसके साथ ही अपने साथ बैठे सवारी को भी खतरे में डाल रहे हैं। यातायात कार्रवाई के चलते कई बार ऐसी स्थिति बनती नजर आ जाती है, ऐसे लोगों को फटकार के साथ मोटा जुर्माना भी भरना पड़ रहा है। यातायात पुलिस द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई भी की जा रही है।
कई वाहन चालक ऐसे भी नजर आए जो चालान होने के डर से वाहन को तेज गति से निकालने लगे। इस दौरान कई बार हादसे होने स्थिति भी बनती रही। इसके चलते पुलिस ने 20 वाहन चालकों से 8,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। बस स्टैंड के पास यातायात पुलिस ने जांच अभियान में वाहनों पर 3 से ज़्यादा सवारी, बिना लाइसेंस, बगैर हेलमेट, बिना कागजात के वाहन चलाते हुए चालकों पर कार्रवाई भी की। इस दौरान कई वाहन चालक कार्रवाई से बचने के लिए तेज़ रफ्तार में भागते हुए भी नजर आए। बिना हेलमेट बच नहीं पाएगा। पुलिस कर्मचारी यातायात प्रभारी विजेंद्र मस्कोले ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश मिले हैं, नियम तोड़ते हुए कोई भी शासकीय कर्मचारी नजर आया तो उस पर जुर्माना तो किया ही जाएगा, साथ ही नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। जांच के दौरान अगर कोई पुलिसकर्मी नियम तोड़ता मिला या बिना हेलमेट के नजर आया तो उस पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। वर्जन निर्देश मिले हैं, कोई भी शासकीय कर्मचारी नियम तोड़ते हुए पाया गया तो जुर्माने के साथ नियम अनुसार भी कार्रवाई होगी। सिवनी नगर के शंकर मढ़िया के समीप ईदगाह मस्जिद के सामने जूते की दुकान में मंगलवार की रात्रि 10 बजे भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखे जूते व अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आग की ऊंची ऊंची लपटों से वहां से गुजरे बिजली के तार भी जल गए। क्षेत्रों लोगों ने कोतवाली पुलिस व नगर पालिका के फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जूते की दुकान में लगी आग तेजी से फैल रही थी। वहीं आसपास के अन्य दुकानों के व्यापारी भी अपनी अपनी दुकानों को आग से जलने से बचाने और जूते की दुकान की आग को बुझाने में अपने स्तर में जुट गए। हालांकि फायर ब्रिगेड तत्काल ही मौके स्थल पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। सीहोर में टैक्सी के चालकों ने अपनी शिकायत कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े के समक्ष रखी। जी हां, हमारे वाहन की रफ्तार ही इतनी नहीं है, ना ही इतना कमा पाते हैं कि स्पीड गवर्नर और GPRS लगा सकें। महज रोजी रोटी कमाने का सहारा है। ना तो गाड़ी इतनी तेज चलती है, ना ही आज तक इस वाहन से किसी को कोई भी नुकसान हुआ है। साहब, इतना खर्च नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ राहत दी जाए। सीहोर भोपाल संचालित होने वाली 110 एम्बेसडर टैक्सी के चालकों ने कुछ इसी तरह अपनी शिकायत कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े के समक्ष रखी। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष अतीक मियां ने आवेदन के माध्यम से गुहार लगाते हुए कहा कि एम्बेसडर टैक्सियाँ काफ़ी जटिल परिस्थितियों में चलाई जा रही हैं। दिन भर में एक टैक्सी का एक ही बार आना जाना होता है। इससे मिलने वाली आमदनी से ही परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। यह वाहन मार्ग पर 70 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार पर चल ही नहीं सकता। इसके चलते स्पीड गवर्नर लगाए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। एक माह में बमुश्किल 5,000 से ज़्यादा की कमाई नहीं हो पाती है, जबकि GPRS 4,500 और स्पीड गवर्नर 4,000 का आ रहा है। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि ये खर्च हम उठा सकें। सीहोर में भारतीय मजदूर कांग्रेस की जिला स्तरीय मजदूर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस नेता कमलेश कटारे ने कहा कि प्रत्येक मजदूर को 5 एकड़ भूमि एवं उनकी बकाया राशि के 15 करोड़ रुपए दिए जाएं। सीलिंग की जमीन पर पहला हक मजदूरों का है। अगर मजदूरों की वाजिब मांग को नहीं माना गया तो हम सभी कांग्रेस जन सड़क पर उतर कर उग्र आंदोलन करेंगे। गीता भवन में आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मजदूरों ने इसके बाद अपनी मांगों के संबंध में कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े को ज्ञापन भी सौंपा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इछावर विधायक शैलेंद्र पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मजदूर के हक की मांग को पूरा जोर से विधानसभा में रखूंगा। मैं सदा मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हूँ। इसका संघर्ष मेरा भी संघर्ष है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि मजदूरों की लड़ाई और उनके हक के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में राकेश राय, दामोदर राय, ओमदीप राजाराम, बड़े भाई आदि ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर इंटेक के अध्यक्ष जयमल सिंह राजपाल व जिला इंटेक महामंत्री जमीर बहादुर ने अपनी उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक मजदूरों को 5-5 एकड़ जमीन देने एवं मजदूरों का बकाया 15 करोड़ रुपए देने की बात भी कही। सीहोर जिले में ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में ठुठरते लोगों को सहयोग करना भी पुण्य का काम है। इसी के चलते शहर में नेकी का काम भी बना हुआ है। मंगलवार को 3 समाज सेविकों ने नेकी के पेड़ के नीचे गरीबों को कंबल वितरित किए। कंबल पाते ही गरीब जरूरतमंदों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तहसील कार्यालय में स्थिति नेकी के पेड़ से जरूरतमंदों को काफ़ी हद तक मदद मिल रही है। शहर के अरविंद राठौर, विशाल जैन और अनिल पारे ने गरीबों को सर्दी से बचने के लिए कंबल दान करने का फैसला लिया था, जहां SDM राजकुमार खत्री के मार्गदर्शन में तीनों युवाओं ने जरूरतमंद गरीब बुजुर्गों को कंबल प्रदान किए। ठंड में गर्म कपड़े पाकर जरूरतमंदों की आंखों में खुशियां
और धुआएं साफ नजर आ रही थी। इछावर तहसील के ग्राम खजूरिया घेंगी के 300 से अधिक परिवार के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि साहब, बड़ी मुश्किल से आपके पास आने का समय निकाला है। गांव में ना तो पानी है, ना ही मकान, और ना ही वृद्धों को पेंशन मिल रही है। पीने का पानी भी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। सरपंच, सचिव जातिगत भेदभाव कर योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं। साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको तो भरोसा नहीं है तो खुद आकर देख लो हमारी क्या स्थिति है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सरपंच और सचिव किसी भी योजना का लाभ जाति का भेदभाव कर नहीं दे रहे हैं। हम लोग पात्र होते हुए भी हमें प्रधानमंत्री आवास तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। हम 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। बुजुर्गों को पेंशन तक नहीं मिल पा रही है। मजदूरी मिल जाती है उस दिन पेट भर कर रोटी खा लेते हैं, जब मजदूरी नहीं मिलती उस दिन हालत खराब होती है। रतलाम में बाल चिकित्सालय के पीछे बने एमसीएच में बुधवार से ओपीडी शुरू कर दी गई है। पहले दिन लोगों को पता नहीं होने से बहुत कम संख्या में मरीज पहुंचे। हालांकि यहां डॉक्टर और स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। धीरे धीरे रूटीन में आने में समय लगेगा। वहीं सीहोर में करीब 1 साल पहले पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। बहुचर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषभ कुमार सिंघई ने हत्या के आरोपी को अपराध सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला चौधरी ने बताया कि मंडी थाना अंतर्गत ग्राम रोला निवासी वहीद खां पिता मंजहूर खां ने 20 सितंबर 2016 को गांव के ही इमरान के साथ मारपीट करते हुए चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। जिस वक्त वह इमरान को मौत के घाट उतार रहा था, तभी इमरान की चीख पुकार सुनकर पास में ही सोयाबीन काट रहे नवाब असलम और शहजाद वहां पहुंच गए थे। वहीद खां ने पुरानी रंजिश को लेकर इमरान की चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषभ कुमार सिंघई ने आरोपी वहीद पिता जहूर खां को भादवी की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भोपाल में दृष्टिबाधितों ने मंगलवार को नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। यह बुधवार को भी जारी है। इन 2 दिनों में कोई भी सरकारी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं पहुंचा। दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति के सदस्य हिदायत अंसारी के अनुसार नीलम पार्क में अपनी 23 मांगों को लेकर अनिश्चित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के सभी जिलों से लोग शामिल होने आए हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक दृष्टिहीन छात्राओं के लिए एक भी शासकीय विद्यालय का वह छात्रावास नहीं है, ना तो उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास की कोई व्यवस्था, जिसके कारण दृष्टिहीन विद्यार्थियों एवं विद्यालय एवं महाविद्यालय की शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इन कठिनाइयों से जूझते हुए यदि कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसे रोजगार के लिए कई दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। इनमें से हमारी मुख्य मांगे सीधी भर्ती के अंतर्गत चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। ITI, DCA और PGDCA डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को वरियात दी जाए। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और रीवा में ITI छात्रावास भी खोला जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 से बढ़ाकर 1500 रुपये किए जाए। महात्मा गांधी गारंटी को 100 दिन रोजगार के अंतर्गत दृष्टिहीनों को आरक्षण दें। भोपाल के बाग मुगलिया एक्सटेंशन में कॉलोनी निवासी दीपक सिंह के LIG 2 123 निवास से सुरक्षा हेतु लगाए गए 2 कैमरे में से एक कैमरा चोर विगत 12 तारीख को निकाल ले गया था। कल रात को हाथ जोड़कर वो कैमरा वापस कर गया। इंदौर शहर में क्रिसमस की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। क्रिसमस को लेकर शहर के गिरजाघर सजा दिए गए हैं। वहीं घरों में रमकेक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुलाबी ठंड के साथ क्रिसमस दस्तक दे चुका है। शहर के सारे गिरजाघरों को आकर्षक लाइटिंग से सजा दिया गया है। सीहोर शिवसेना के युवा संगठन ने विदिशा के अहमदपुर चौराहे पर हुए 10 दिसंबर की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा है। युवा सेना के उपाध्यक्ष सुनील राय ने बताया कि आवारा जानवर को मारने वाले विस्फोटक से शरारती तत्वों द्वारा गलत उपयोग किया जा रहा है।
इस उपयोग से मवेशियों पर हमला किया जा रहा है। इसके कारण तड़प तड़प कर गाय की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। शिव सैनिकों ने आगामी दिनों में आरोपियों की गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। सिवनी कचहरी चौक की सड़क पर दोपहर में अचानक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने जाम लगा दिया। भूख हड़ताल कर रहे साथी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। देखते ही देखते सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। इसकी जानकारी लगते ही आनन फानन में मौके पर SDM, तहसीलदार, SDOP, TI पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रीवा में TRS कॉलेज में परीक्षा से संबंधित बाहर किए गए दो छात्रों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अनुसूचित जाति के छात्रों ने जहां कॉलेज प्रशासन पर जानबूझकर परीक्षा से बाहर करने का आरोप लगाया है, वहीं कॉलेज प्रशासन ने कक्षा में 75% उपस्थिति नहीं होने का हवाला दिया है। फिलहाल छात्रों के समर्थन में भारी संख्या में छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से परीक्षा में शामिल कराने और प्रचार पर कार्रवाई की मांग की है। रायसेन में उठो जागृत हो और लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत चलते रहो। स्वामी विवेकानंद के सूत्रवाक पर आधारित अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा युवा भारत यात्रा निकाली जा रही है। मंगलवार को यह यात्रा क्रांति रथ लेकर होशंगाबाद से होते हुए रायसेन शहर पहुंची। शहर में इस यात्रा के प्रवेश करते ही दरगाह शरीफ से लेकर सांची रोड तक करीब एक दर्जन स्थानों पर फूल बरसाकर भव्य स्वागत भी किया गया। सागर तिराहे पर दीपक राठौर, धर्मेंद्र राठौर सहित उनकी मित्र मंडली द्वारा फूलों की बरसा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को जल भी पिलाया गया। इसके बाद शासकीय उत्कृष्ट स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शांति कुंज हरिद्वार से आए क्रांति रथ के टोली नायक शाश्वत कुमार पांडे ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि व्यसनों से बचकर अपनी ऊर्जा सृजन और राष्ट्र निर्माण में लगाएं, इससे युवा राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन सकेंगे। टोली नायक पांडे ने नशा मुक्ति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यसनों से व्यक्ति खोखला हो जाता है। इसके बाद क्रांति रथ निर्माणधीन गायत्री शक्ति पीठ रामनगर पहुंचा। यहां पर नागरिकों एवं युवाओं को संदेश देते हुए एक फिल्म भी दिखाई गई। सीहोर जिले के युवा प्रतिभागियों के सुरताल की संगत दिनभर सजी रही। चर्च मैदान में आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव में जिले की प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा दिखाते हुए उपस्थितियों को प्रशंसा करने और तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। सुबह 10 बजे से आयोजित युवा उत्सव में जिले के युवा प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक लोक नृत्य, लोकगीत, सामूहिक एकांकी नाटक, शास्त्रीय संगीत, कथक, भरतनाट्यम, सितार वादन, बांसुरी वादन, तबला, वीणा, मृदंग, हारमोनियम, गिटार वादन, वायलिन वादन, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी कला आदि की प्रस्तुति दी गई। जिला स्तरीय युवा उत्सव में शास्त्रीय नृत्य कथक में प्रथम पूर्वी जैन, एकांकी नाट्य में प्रथम लोकरंग ग्रुप, हारमोनियम वादन में प्रथम पंकेश रॉय, द्वितीय सचिन ठाकुर, तबला वादन में प्रथम अभय ठाकुर, द्वितीय अजय, गिटार वादन में प्रथम अरुणा शर्मा, द्वितीय सचिन ठाकुर, बांसुरी वादन में प्रथम सुमित प्रजापति, लोक नृत्य सामूहिक पंकेश राव ग्रुप, द्वितीय दीप ज्योति ग्रुप, सीहोर में राज्य स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता में क्वालिफाई दौर में भोपाल के तेज तर्रार टेनिस खिलाड़ी अरिनंदम जैन ने खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए इंदौर के अंश को 4-1 से हरा कर प्रतियोगिता के मुख्य दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के संचालक उमेश शर्मा ने बताया कि शहर के शुगर फैक्ट्री स्थित सीहोर क्लब में खेली जा रही राज्य स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 14 और अंडर 18 के मैच खेले गए। टेनिस के अंडर 14 के हुए मुकाबलों में वेदांश राय ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए वीर ठाकुर को 4-0 से हराया। इसके अलावा अन्य मुकाबलों में यर्थात भार्गव ने सहजान खान को 4-2, गर्व जैन ने अंश को 4-3, वहीं आदित्य वर्मा ने मोहम्मद आसिम को 4-2 से हराया।
भोपाल में श्री राधे कृष्णा मंदिर बरखेड़ा में 20 से 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाली भागवत कथा में आज कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में जहां घोड़े रथ पर सवार भगवान और वहीं सिर पर कलश धारण किए सैकड़ों महिलाएं चल रही थी, यह दृश्य लोगों को बहुत ही आकर्षित कर रहा था। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।